हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, आज है 12th of September। तो चलिए गाइस, करते हैं शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। और फ्रेंड, यदि आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अभी हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन बी आरएन रवि, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और ऑप्शन डी जगदीश मुखी। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अब इनकी जगह पे गवर्नर कौन बने हैं? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्हें बनाया गया नए राज्यपाल। देखिए, अभी 9 सितंबर को इनको सिलेक्ट किया गया है और 8 सितंबर को बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून। और यहाँ पर अभी नए चीफ मिनिस्टर भी सिलेक्ट किए गए हैं, अभी एक महीना पहले ही, बीजेपी के हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। नए सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, इन्हें यहाँ के नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और देखिए, इनके इस्तीफा देने के बाद यानी 9 सितंबर को ही 3 राज्यों में नए गवर्नर बनाए गए हैं, पंजाब, नागालैंड और उत्तराखंड में। देखते हैं कौन कौन है नए गवर्नर बने हैं। तो देखिए, अभी पंजाब के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित। ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे और अब इन्हें पंजाब का बना दिया गया। और देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और नागालैंड, नागालैंड के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? जगदीश मुखी। ये कहाँ के थे पहले? ये पहले थे असम के, असम के गवर्नर थे। और देखिए, नागालैंड के सीएम कौन है यानी कि मुख्यमंत्री है नागालैंड के? नेफ्यू रियो। और तीसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ये नए बनाए गए हैं आरएन रवि। और ये पहले थे नागालैंड के, नागालैंड के थे। और देखिए, तमिलनाडु के अभी एक नए सीएम भी बनाए गए एक दो महीने पहले, उनका नाम क्या है? एम के स्टालिन, इन्हें बनाया गया एम के स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल के दिन अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये गुजरात के थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए, इनके पद से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के दोनों लहर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और इनके मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्था दोनों कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहे हैं। और यहाँ तक कि देखा गया है कि केंद्र सरकार और प्रदेश की पार्टी ने इनको कई बार इनके फैसले पे इनको गलत साबित किया है, जिसकी वजह से इनको अपने खुद के फैसले को वापस लेने पड़े थे। फ्रेंड, ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री, ये 2016 में आनंदी बेन पटेल के इस्तीफा के बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो इसी वजह से इन्होंने कल यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर अपना त्याग पत्र दे दिए हैं। और अचानक से पूरी राजनीति में हलचल मच गई कि ये अचानक क्यों दे दिए हैं इस्तीफा। और देखिए, इस्तीफा देने से पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिए थे और कल 3 बजे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिए हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, देवव्रत। और देखिए ऑप्शन, अभी उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नए राज्यपाल बनाए गए थे। और यहाँ पर एक महीना पहले ही नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, कौन थे? पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी के थे। और कर्नाटक में भी अभी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिए थे, कौन? बीएस येदियुरप्पा, ये भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। और इनके स्थान पर नए यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे
बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, इन्हें अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये पहले कर्नाटक के वित्त मंत्री थे। और देखिए हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। अब देखते हैं कुछ राज्यों में नए राज्यपाल सिलेक्ट किए गए हैं, देखते हैं कौन कौन राज्य में हैं। देखिए उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, इन्हें भी अभी एक महीना पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। नागालैंड के नए राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ये पहले असम के राज्यपाल थे, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। पंजाब के नए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है? आर एन रवि, ये पहले नागालैंड के गवर्नर थे और अब तमिलनाडु का बनाया गया। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और देखिए मिजोरम के नए राज्यपाल हैं हरी बाबू, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा। गोवा के नए राज्यपाल हैं पीसी श्रीधरन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? ये हैं राजेंद्र अल्लेकर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और देखिए हरियाणा के नए राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय, ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। कर्नाटक, कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, और यहाँ के नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई, ये BS येदुरप्पा के स्थान पर बने हैं अभी नए। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक। हाउ वाज द सेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।